अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे बांग्लादेश। क्या लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था? दोस्तों, IMF की ताजा रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है कि COVID-19 प्रभावित चालू वित्त वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति GDP के मामले में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ सकता है। IMF का कहना है कि इस बदलाव का कारण इस साल कोरोना महामारी के फैलने से दुनिया भर के साथ ही भारत भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मार्च के महीने में ही भारत में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। अगस्त सितंबर के बाद से इसमें काफी हद तक ढील दी गई, लेकिन अब भी लोगों को अपने घर से जरूरी काम होने पर ही निकलने की सलाह दी जा रही है। इस वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक के अनुसार बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद साल 2020 में 4% बढ़कर $1,888 हो जाएगा, जबकि भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 10.5% बढ़कर $1,877 रह जाएगा। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने अपना निर्यात तेजी से बढ़ाया है, तो वहीं भारत की निर्यात की स्थिति उसके अपने ही पिछले रिकॉर्ड की तुलना में बहुत अच्छी नहीं है। इसकी वजह से जहां पिछले 5 सालों में बांग्लादेश की वार्षिक वृद्धि दर 9.1% रही, वहीं भारत की वृद्धि दर केवल 3.2% ही रही। वहीं इस साल G20 देशों में वृद्धि के मामले में जून तिमाही में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह माना था कि अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021 में 9.5% तक सिमट जाएगी और मार्च तिमाही में आर्थिक गतिविधियों के कारण इसमें थोड़ा सुधार हो सकता है। IMF की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल वैश्विक वृद्धि की दर केवल 4.4% तक सिमट कर रह जाएगी और साल 2021 में ये 5.2% हो जाएगी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस साल नेपाल और भूटान की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के आसार हैं, जबकि IMF ने पाकिस्तान के साल 2020 और उसके आगे के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया। बांग्लादेश से क्यों हो रही है भारत की तुलना? भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते कुछ सालों में बांग्लादेश ने तरक्की की है। लेकिन भारत से बांग्लादेश की ये तुलना अस्थाई ही कही जा सकती है, क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो भारत की जनसंख्या बांग्लादेश के मुकाबले 8 गुना बड़ी है। दूसरी बात ये है कि 2019 में भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की क्षमता 11 गुना अधिक थी। किसी भी देश की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होता है वहाँ विदेशी निवेश आना, और इस मामले में बांग्लादेश काफी पीछे है। एक तरफ भारत का विदेशी निवेश जहाँ नए रिकॉर्ड बनाते हुए $500 अरब के पार जा चुका है, वहीं बांग्लादेश का विदेशी निवेश महज $3 अरब के करीब है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की ये गिरावट अस्थायी है, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या जितनी बड़ी होती है उसमें बदलाव तेजी से देखा जाता है। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करें तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले काफी छोटी है। बांग्लादेश की इकोनॉमी 250 बिलियन अमरीकी डॉलर के आसपास की है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तकरीबन 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से चीन भारत से हमेशा बेहतर स्थिति में रहा है, इसलिए लोग अब बांग्लादेश के साथ ही भारत की तुलना करने में लगे हैं। दरअसल भारत की प्रति व्यक्ति GDP पिछले 4 सालों में सबसे कम रहेगी। GDP का ये आंकड़ा दोनों ही देशों की वर्तमान कीमतों के आधार पर आंकी गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति GDP साल 2021 में 8.2% तक बढ़ जाएगी और $2,030 तक पहुंच जाएगी। वहीं बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP केवल 5.4% की रफ्तार से बढ़ पाएगी और $1,990 तक पहुंचेगी। अरविंद सुब्रमण्यम ने IMF की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने IMF की इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि समुचित आर्थिक पैमानों पर देखें तो बांग्लादेश अभी भारत से आगे नहीं निकला है और न ही निकट भविष्य में इसकी संभावना है। उन्होंने कहा कि किसी देश में लोगों के कल्याण के सामान्य स्तर के अनुमान के लिए तमाम संकेतकों में प्रति व्यक्ति आय केवल एक संकेतक का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए विश्राम का कोई अवसर नहीं है। देश अब COVID-19 के पहले के स्तर पर 2022 में ही पहुंच सकेगा, यानी 3 साल का नुकसान। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में GDP में 10.3% के अनुमानित संकुचन के चलते भारत प्रति व्यक्ति GDP की तुलना में बांग्लादेश से नीचे जा सकता है। दरअसल IMF की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने तो अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी कोरोना का मुकाबला भारत से बेहतर तरीके से किया। दरअसल राहुल गांधी ने एक चार्ट साझा किया है जिसमें GDP के आंकड़े दिखाए गए हैं।
इनमें एशियाई देशों के नंबर दिए गए हैं, जिनमें कोरोना काल में सबसे अधिक जीडीपी भारत की ही गिरी है। इसी को लेकर राहुल ने कहा है कि बीजेपी सरकार की एक और उपलब्धि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी भारत से बेहतर कोविड को संभाला है। वैसे भी कोरोना काल में जीडीपी के माइनस में आने के बाद से ही सरकार बैकफुट पर है। ऊपर से आईएमएफ की रिपोर्ट ने सरकार को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि ये बात सही है कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भारत की बांग्लादेश से तुलना करना वैसे ही है जैसे सेब की तुलना संतरे से करना।